फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लेजिंग स्टार। आज हम बनाएंगे रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर। पनीर बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालेंगे। आप चाहे तो इसमें दही, सिरका, कुछ भी डाल सकते हैं। नींबू का रस हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे, जिससे कि जितना हमें ज़रूरत है उतना ही मिले। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा फटने लगा है। ये देखिए, हमारा दूध एकदम फट चुका है। अब हम इस दूध को छानेंगे। छानने के लिए एक साफ कपड़ा लेंगे और उसमें दूध को डाल देंगे इस तरीके से। अब इस पनीर को हम इस कपड़े में अच्छे से बांधकर लटका देंगे, जिससे कि इसका पूरा पानी बाहर निकल जाए। इसको हमें आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। आधा घंटा हो चुका है और हमारा पनीर बनकर रेडी है। ये देखिए, अब इसे हम पाम की हेल्प से अच्छे से मसलेंगे, कम से कम 8 से 10 मिनट। ये हमें बहुत अच्छे से मसलना है और तब तक मसलना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। हमें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा पनीर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें मैदा मिला लेंगे। चूंकि ये 1.5 लीटर दूध का पनीर है, तो हमें इसमें 1.5 चम्मच मैदा मिलाएंगे। और इस 5 से 7 मिनट फिर से अच्छे से मसलेंगे। अभी हमारा पनीर रसगुल्ले के लिए एकदम तैयार हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इनके बॉल्स बना लेंगे। हम मीडियम साइज के बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि बाद में फूलेंगे भी। हमारे बॉल्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। सारे पनीर की बॉल्स बना लेंगे। हमारे बॉल्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे। 1 कटोरी शक्कर में हम 3 कटोरी पानी डालते हैं।
अब इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको तब तक चलाते हैं जब तक इसमें बबल्स ना आ जाएं। शक्कर अच्छे से घुल चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डालने से शक्कर में जो भी गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है। इस गंदगी को हम छलनी की हेल्प से बाहर निकालेंगे। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। रसगुल्ले की चाशनी एकदम पतली होती है, बस शक्कर घुल जाए और उसमें बबल्स आ जाए तो समझो कि चाशनी तैयार है। अब हम इसमें रसगुल्ले डाल देंगे। जैसे ही सारे रसगुल्ले डाल देते हैं, इसको मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। सात से आठ मिनट हो चुके हैं, हम रसगुल्लों को एक बार देख लेते हैं। हमारे रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया बने हैं, फूलकर डबल हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले बने हुए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। रसगुल्लों को बाउल में बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए रसगुल्ले कितने स्पंजी बने हैं, एकदम सॉफ्ट। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे।